महाराष्ट्र के नासिक ओझर एयरपोर्ट पर तब अफरा तफरी मच गई जब सूचना मिली कि विमान में बम रखा गया है। पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी आने के बाद तुरंत उड़ान को रोक दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड, नासिक पुलिस, फ्लाइट केबिन क्रू मेंबर्स, पायलट सभी बम खोजने में लग गए। घंटों तलाशी लेने के बाद भी बम नहीं मिला। लोगों का ध्यान गया कि आखिर सूचना किसने दी थी। इसके बाद छानबीन शुरू हुई और सच सबके सामने आया। पता चला कि विमान में बम नहीं है, यह किसी की शरारत है। बम की अफवाह फैलाई गई थी, ऐसा करके जानबूझकर फ्लाइट को डीले किया गया था। जब तहकीकात और आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि एक कस्टमर का एयरपोर्ट पर विमान कंपनी के कर्मचारी से झड़प हो गई थी। असंतुष्ट ग्राहक ने विमान कंपनी को सबक सिखाने के लिए अलग ही रास्ता चुना। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि विमान में बम है। पुलिस कंट्रोल रूम ने ये सूचना मिलते ही तुरंत विमान कंपनी को सूचना दी। आनन-फानन में विमान की उड़ान को रोक दिया गया और विमान के अंदर तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी विमान में कुछ नहीं मिला।